जिहड़ा ऑल इंडिया कांग्रेस साडी सारे हिंदुस्तान दे विच रखिया गया है, जिहड़े लखीमपुर खीरी दे विच किसानां दे नाल जो बहुत धक्का किया गया, एक केंद्र दे मंत्री जिन्हां दे बेटे ने शांतमई ढंग दे नाल किसानां दा कर रहा प्रदर्शन, उन्हां दे उत्ते गड्डियां चाढ़ के उन्हां दा मर्डर किया गया है और उहदे संबंध विच रखिया गया है तां जो उन्हां परिवारां नूं उन्हां किसानां नूं जिहड़ा इंसाफ मिल सके और इह केंद्र दी सरकार जिहड़ी है जिहड़े किसानां दे नाल पिछले लंबे समय तो धक्का कर रही है वो आवाज़ जिहड़ी असी केंद्र सरकार तक पहुँचाना चाहुंदे आ। मौन वर्त ते एक चुप रह के आपां अपनी आवाज़ जिहड़ी आ चुप रह के भी एक जिहड़ा ये भी एक तरीका है कि असी केंद्र सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचा सकते, अपना दुख जाहिर कर सकते, अपना गुस्सा जाहिर कर सकते। ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਮੌਨ ਵਰਤ ਚੱਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਮੌਨ ਵਰਤ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਲੇਟ ਸੀ, ਚੱਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਮੌਨ ਵਰਤ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਭ ਫੋਨ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬੰਦ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ और मेरे को फोन तो नहीं है। जो बाकी कोई होर गल्लां करते दिखाई दे रहे या फोन पर गल्लां करते दिखाई दे रहे थे, की कहना चाहते? देखो कई बहुत अर्जेंट साढ़े मेयर साहब भी इतने बैठे, डिप्टी मेयर बैठे ने और कई बार पब्लिक दियाँ बहुत सारिया समस्यावान ने जिन्हों का समाधान करना भी बड़ा जरूरी है और एक चीज़ को देख के आप दूसरी चीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता और वो असी करके कई ने जो अर्जेंट फोन से अटेंड कर लिया होगा। कुछ लोग आपस हंसते भी दिखाई दिते, लगता कि इस तरीके का मौन वर्त कामयाब हो सकता? देखो गल पता की है, तुम इन्हों की भावना समझो किस भावना आ के इतने बैठे ने, हो सकता किसी ने कोई जरूरी फोन आ गया होने गल कर ली हो, बाकी सारे बड़े दुखी हिरदे इतने बैठे से जेडे साढ़े उत्थे किसान प्रोटेस्ट कर रहे उन्होंने अन्नेवाद शहादत करके उन्हों दान लिया ने उन्होंने याद करने लिए अभी सारे फोन वर्त के बैठे। बैठे चलो कोई मैं तो तुम्हें दसिया कोई हो सकता किसी ने कोई जरूरी फोन आ गया होने किया हो, बाकी भावना सारे की ठीक सी, सानू तो भावना वेखनी चाहिए है ना कि निकी मोटिया गल् हो जाए। मौन वर्त भी ज्यादा बड़ा टाइम सगा दो घंटे वेद लोगों बहुत जरूरी रुझेवें जो कोई गल करनी पै जाती है तो उन्होंने सानू पिछे छड़ के इन दिन सारिया भावनाओं समझना चाहिए। योगी तो योगी सरकार जी इस टाइम बिल्कुल डिकटेटर हो चुकी है तो सारा देश जड़ा उन्हों तो इस रवैये तो बहुत दुखी है। साड़ी कांग्रेस पार्टी ने अज इस उन्हों की डिकटेटरशिप के उल्ट सारू मैसेज दिता है कि सारे अपने ब्लाकों जिले च सारी कांग्रेस ने अज मौन वर्त रख्या तो उन्हें शहीदों को याद किया जा सके तो उन्होंने इंसाफ मिल सके। फोन इस्तेमाल कर रहे थे, बोल रहे थे फोन से गलबात कर रहे थे, लगता कि इस मौन वर्त को कामयाबी मिलेगी? साड़ी पार्टी के मेरे पिछों आ रहे थे, पूछे कि तुम कितने बैठे जे, अहीं इत्थे आ जाओ, बस इन्नी गल की। ऐसे होंदा की है मौन वर्त दे विच? मौन वर्त भी बोलना ही नहीं होंदा, चुप्पी धारनी होंदी है। लगता नहीं सी फोन साइलेंट कर लैंदे जां बंद कर लैंदे दो घंटे लई? साड़े बंदे पिछों आ रहे ना, असीं देख रहे। मौन वर्त च होंदा की है? मौन वर्त सारे जने मौन रह के जो भी आपां किसानां नूं श्रद्धांजलि देना च बैठे हाँ, जो साड़ी मंग है कि सेंटर की सरकार अगे राष्ट्रपति जी दे अगे कि जेड़े भी साढ़े किसान जेड़े उत्थे शहीद होए ने जिस तरह गड्डी चाढ़ दी केंद्रीय मंत्री ने उन्होंने उपर तो उस संबंध के अज जिते बैठे हाँ कि जेड़ा वो मंत्री नूं जेड़ा बरखास्त किया जाए। देखो मैं तो नहीं वैसे मौन दे विच दिता, जे तुसी देखा होऊ कदे ते मैं तो फोन कटिया होऊगा फड़ के। नहीं कान दे लागे लागे थोड़ा कटिया जांदा फोन? नहीं मैं तो कटिया ही जी सिर्फ फोन। मौन वर्त किन्नू कहिंदे आ?
ਮੋਨਵਰ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੋਨਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਤੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫੋਨ ਇੱਕਦਾਂ ਹੁਣ ਐਡੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਤੇ ਕਾਲ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਾਰਟੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਫੋਨ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਸਕਦਾ ਵੈਸੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੋਨਵਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਇਹ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੋਨਵਰਟ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਿਸਟੇਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੋਨਵਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ ਮੋਨਵਰਟ ਜੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ